सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस, आज मैं आप सभी को कुछ बहुत ही अलग सी चीज़ दिखाने वाला हूँ। पहले मतलब आप लोग इधर उधर देख रहे होगे, सोच रहे होगे यार ये क्या चल रहा है माजरा, तो मैं आपको थोड़ा घुमाता हूँ इधर उधर कि ये देख लो ये क्या क्या है मतलब अच्छे से। और ये जो आप देख रहे हो पीछे लाल लाल टाइप का, ये वही गुड़ है जो आप लोग खाते हो अपने घरों में पता नहीं 50-50 रुपए किलो लेके। और यहाँ पे ये गुड़ आप एक पीस दो पीस जितने भी खाने हैं आप खा सकते हो फ्री में। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये गुड़ की ये जो फैक्ट्री है ये कैसी है और इसके अंदर गुड़ कैसे बनता है पूरी चीज़ मैं दिखाता हूँ। ये जो थैले टंगे हुए हैं ये कैसे हैं, और मतलब ये बहुत अजीब सी लोकेशन है। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हाईवे चल रहा है, ये उत्तराखंड के लिए जाएगा हाईवे, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ अच्छे से। तो अंदर चलते हैं, उसके लिए मैं अपना रियर कैमरा टर्न ऑन करूँगा तो तब मैं आपको दिखाऊंगा अच्छे से कि ये कैफे है वर्क करती है पूरी। तो गाइस ये हैं मेरा, ये है मेरा भाई, और ये आज आप सभी को बताएगा ये काम कैसे करती है ये फैक्ट्री गुड़ बनाने की। सबसे पहले बताओ भाई कि मतलब सबसे पहले मतलब कहाँ से स्टार्टिंग होती है। यहाँ पे तो सबको पता है कि ये शुगर केन है, ये गन्ना है, तो इसके बाद ये गन्ने का मतलब कैसे गुड़ तक जाती है इसकी पूरी स्थिति, वो आप पहले आप ये बता दो। और यहाँ गाइस यहाँ पे देख लो, यहाँ पे पूरा हाईवे चल रहा है। चल, ये गन्ना है जी, ठीक है, और ये मशीन है जूस निकालने की मशीन। अच्छा, ये गन्ने का जिसमें से जूस निकलेगा, मतलब गन्ने को जो आप लोग देखते हो कि गन्ने का जो जूस मिलता है शहरों में, वो मतलब यहाँ पे कुछ बड़ी सी मशीन है, काम वही है, जूस निकालेगी ये मशीन भी, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर जूस इकट्ठा होता है। यहाँ पे देखो धुलाई चल रही है, देखो वहाँ से गन्ना उसके अंदर डलेगा, डलने के बाद यहाँ से जूस उसका निकलेगा और जूस निकल के यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा। तो ये लोग जूस निकालने से पहले उसकी सफाई करते हैं, तो आप देख सकते हो अच्छे से, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता, ये हमारे चाइना भाई हैं, ये कारीगर हैं यहाँ के। अच्छा अच्छा, फिर ये कारीगर हैं जी, ये जूस को पकाते हैं इसे। अच्छा, जूस पकेगा अब, है ना। हाँ। तो देख लो आप लोग अच्छे से, यहाँ पे जूस पक रहा है, ये बड़ी बड़ी कढ़ाई है, चार कढ़ाई है बड़ी बड़ी। यहाँ पे दिखा दिया, आग वहाँ पे जल रही है, आग कहाँ से जल रही है, हाँ आग पीछे पे जल रही है। चलो यार मैं आपको दिखाता हूँ ये कढ़ाई गर्म कहाँ से होती है। ये देखो यार, ये जो गन्ने का वो है ना, क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं इसे, छिलका ही कहते हैं ना। हाँ, खोई, गन्ने की जो खोई होती है, जो मतलब जब जूस निकलता है गन्ने का उसके बाद ये इतना सारा निकल के आ जाता, तो उसके बाद उसी मटेरियल को ये लोग जला रहे हैं ताकि आग बन सके, ठीक है। हाँ, गन्ने का बारूदा जो भी कहते हैं इसे जलाने का। और ये कढ़ाई है, यहाँ से वो गन्ने का जो रस था वो पक रहा है इस टाइम, ठीक है। उसके बाद ये पकते 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 इसमें एक ऐसा पदार्थ डाला जाता है, हाँ क्या हो जाता, सफाई के लिए। हाँ, इसके अंदर गुड़ बनाने से पहले ये कोई मटेरियल है, ये वाला नहीं, नहीं ये कोई मटेरियल है, इस मटेरियल को डाला जाता है ताकि गुड़ जो है वो साफ बने, ठीक है। और ये क्या कर रहे हो आप, ये क्या इकट्ठा कर रहे हो, ये साफ हो रहा है। अच्छा अच्छा, ये देखो ये इसकी सफाई हो रही है, जो ऊपर ऊपर लेयर टाइप की आप लोगों को दिख रही है, ये इसको ये लोग साफ कर रहे हैं, इससे ये जो भी चीज है इससे साफ कर रहे हैं। और ये आप देख सकते हो यहाँ पे जो गंदगी है उसको हटा के ये लोग यहाँ पे डाल रहे हैं, ये वो है जिससे सील तोड़ी जाती है वाले। अच्छा अच्छा, और ये जो थैले हैं इसके अंदर क्या, ये जानवर है, ये जो इसके अंदर सामान है ये मिट्ठा रहेगा लेकिन ये थोड़ी गंदगी है, तो ये जानवरों के लिए रखी जाती है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो ये पूरा वही है गन्ने का रस, ठीक है। अब देखते हैं इस गन्ने के रस के बाद क्या होता है। हाँ तो यार ये लोग अभी आप देख सकते हो ये इसके अंदर पूरा गुड़ रखा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो वो भाई यहाँ से गुड़ को डाल रहे हैं। तो हाँ, उसके बाद वो जो पानी जो था वो इकट्ठा होकर रस गन्ने का पकने के बाद कहाँ जाता है, गन्ने का रस पकने के बाद इसमें आता है। हाँ देखो, गन्ने का जो रस था वहाँ पे पक जाता है, गंदगी उसकी साफ हो जाती है, फिर वो जो रस है वो यहाँ पे आता है। और यहाँ पे आने के बाद क्या होता है भाई, उसे ठंडा किया जाता। अच्छा अच्छा, उसे ठंडा किया जाता, ऐसा बनाया जाता, ठीक है। जब वो ठंडा हो जाएगा तब उसका कलर कुछ ऐसा हो जाएगा, ऑरेंज ऑरेंज टाइप का, ठीक है। तो ऑरेंज होने के बाद, हाँ ठीक है, ऑरेंज होने के बाद जब वो टाइट टाइट टाइप का हो जाएगा तो वो कुछ इस तरह का दिखेगा। और इस तरह का दिखने के बाद वहाँ पे आप लोग देख सकते हो, वहाँ पे वो लोग गुड़ बना रहे हैं गोल गोल करके। चलो उन्हीं के पास चलते हैं। हाँ तो देखो यार ये लोग यहाँ पे गुड़ बना रहे हैं ऐसे करके, ये लोग आप देख सकते हो कैसे कैसे बना रहे हैं, छोटे छोटे लड्डू टाइप के, ये तो ये ऐसे हैं कुछ दिखते हैं। और थोड़ा जब पक जाता है गुड़ तो उसके बाद इनका जो ऑरेंज ऑरेंज कलर है वो थोड़ा चेंज होकर ब्राउन ब्राउन टाइप का होने लगता है अपने आप ही। तो ये अभी इस टाइम जो गुड़ है ये एकदम ताज़ा गुड़ है। तो ऐसा कुछ फैक्ट्री है यहाँ पे गन्ने बनाने की, और एक्चुअली आगे भी एक फैक्ट्री चल रही है, वो आप लोग देख सकते हो, मैं जूम कर रहा हूँ अपने कैमरे को, वहाँ पे एक और फैक्ट्री है
और एक इधर भी एक फैक्ट्री है और बता रहा है, ये लोग गुड़ को बना रहे हैं, देख लो आप लोग। ठीक है, मैंने आपको पूरा जो प्रोसेस था वो एक्सप्लेन कर दिया, गुड़ कैसे बनाते हैं। वो भाई बोल रहे हैं कि कुछ काम रह गया है। हाँ, सुनो भाई, देखो ऐसा है, गुड़ जो बनता है ये लोग बनाते हैं गुड़, तो हाथों हाथ उसको बेच भी देते हैं। हाँ, इसको यहाँ पे गुड़ को बेच देते हैं ऐसे करके, और ये कुछ इस तरह का बेचते हैं। मैं अपनी फ्लैश लाइट टर्न ऑन कर लेता हूँ। तो यार यहाँ पे गुड़ को बेचा जा रहा है और ये डिब्बों के अंदर इसको रखा जा रहा है गुड़ को। तो यार ये देख सकते हो आप लोग, जो आप लोग गुड़ खाते हो अपने अपने घरों में, तो वो ऐसे बनता है। आप लोगों को मैंने आज बता दिया उसका पूरा प्रोसेस और दिखा दिया कि वो गुड़ कहाँ पे बनता है, कैसे बनता है, तो पूरा आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया। क्यों अंकल, क्या रेट चल रहा है गुड़ का एक किलो का? कितना? 35 रुपए। हाँ, 35 रुपए किलो एक किलो गुड़ का चल रहा है इस टाइम रेट। तो आप लोग जो खरीदते हो वो 60-70 रुपए किलो के हिसाब से मिलता है आप लोगों को दुकान पे से, और उसकी जो कॉस्टिंग है वो आप लोग देख सकते हो कितने रुपए उसकी कॉस्टिंग आती है, 35 रुपए किलो के हिसाब से। तो यार काफ़ी सस्ता है इस टाइम गुड़। तो यार अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना टेकवाइज को, और क्या बोलते हैं, आगे चल के वीडियोस को लाइक करा करो यार, बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में। तो यार ये ऐसे करके जो गुड़ है पूरा गंदा पानी गुड़ का इधर है, और उसको गाय भैंस के लिए रखा जा रहा है। ठीक है, तो बाय बाय भाई, मेरे पास टाइम नहीं है उतना, तो मैंने कम टाइम निकाल के भी आपके लिए वीडियो। भाई ये भी कह रहे हैं, हाँ हाँ, हमारे क्या बना वो, ये भाई भी कह रहे हैं कि इनको भी वीडियो में आना। तो यार देख लो आप लोग अच्छे से, और ये पूरी वीडियो थी, ये हाईवे चल रहा है इस टाइम ये वाला। तो यार हाँ देखो यार, वो जो वहाँ पे क्या बोलते हैं, जो गुड़ इकट्ठा हुआ था बेचने के लिए, तो वो इस मैजिक में जाएगा गुड़, और फिर वो दुकानों में सप्लाई हो जाएगा। तो यार ये पूरा प्रोसेस था, आप लोग देख सकते हो, और बस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। टिल देन बाय।